नमस्कार दोस्तों, एक नई उम्मीद के साथ आपकी एक नई क्लास जिसमें आप सीखेंगे कोष्ठक पर आधारित सवाल। जी हाँ, ब्रेकर्स अगर आपको कुछ कंफ्यूजन करते हैं तो आज से इस कंफ्यूजन को छोड़ दीजिए। इस क्लास को पूरा देखिएगा, 35-40 मिनट की जो भी क्लास होगी उसको अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो 100% गारंटी, ना एक ज्यादा ना एक कम। जी हाँ, आपको कोष्ठक के सवाल कभी नहीं सताएंगे, आज से इनका भूत भाग जाएगा। देखिए कैसे। पहले तो कोष्ठक चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रेखा कोष्ठक होता है जो कि बहुत कम जगह मिलता है, दुर्लभ हो गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन कभी कभी आ जाता है। छोटा कोष्ठक अक्सर ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। इनका क्या नियम होता है, इनकी क्या विधि होती है, सब कुछ हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। जो कुछ होगा आपके सामने प्रूव होगा, लास्ट तक देखिएगा। उसके पहले ये दो लाइनें जो आपके लिए मैंने पहले भी बताया था, मैं अकेला ही चला था जाने भी ये मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया, मतलब वही। मजरूह सुल्तानपुरी के इस बोल को राजकुमार सुल्तानपुरी ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि ये कारवां बनता रहे और कभी खत्म ना हो, आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा, ये कारवां ऐसे बढ़ता रहे। ठीक है, चले आगे। देखिए पहला सवाल आपके सामने है जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको चार, दूसरे सवाल में भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से उत्तर बताइए क्या आएगा, क्योंकि बहुत से महारथी यहां बैठे हुए जिनको आता है। अगर आपको नहीं आता तो बिल्कुल नहीं घबराना, बस थोड़ा सा इंतजार कर लेना, फिर सही सही आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास कई कलर के पेन है, मैं कुछ अलग यूज करता हूं, अगर किसी कलर से कोई नफरत होगी किसी को तो बता देगा। हाँ, नियम में चलते हैं तो सबसे पहले याद रखें कि रेखा कोष्ठक हल होता है, दूसरा नंबर पर छोटा कोष्ठक आता है, तीसरा पर मझला और चौथा पर बड़ा। इसे वैसे समझ सकते हैं अपने घर परिवार में, जैसे कोई भी मानते हैं भाई की कोई वस्तु है जो कि बहुत कम है ना, होता है हर जगह होता है। तो सबसे पहले मानते हैं कि अगर खाने पीने की वस्तु है तो जब से छोटा बच्चा जो होगा उसको दिया जाएगा, ये भाई हमारे कल्चर में होता है, मतलब इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर बढ़ता है ज्यादा होता है तो भाई जो बच्चे हैं वो लोग ले लेते हैं, लेकिन माता पिता नहीं खाते हैं, कहते हैं भाई बच्चों को खा लेने दो, ऐसा होता है ना। तो वैसे क्या होता है, सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करते हैं, दूसरा नंबर पर मझला कोष्ठक की वो सॉरी ये छोटा की बारी आती है, सबसे पहले रेखा फिर छोटा फिर मझला और फिर बड़ा। ये कब, जब किसी सवाल में चारों कोष्ठक लगे हैं तो। अगर चारों नहीं लगे हैं तो इसमें कोई नियम विशेष नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक नियम होता है कि अगर किसी सवाल में केवल एक ही कोष्ठक लगा है तो आप सबसे पहले कोष्ठक को हल करेंगे, बाद में और कुछ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कैसे, देखिए जैसे ये सवाल दिया गया, इसमें एक कोष्ठक लगा है, बाकी कहीं कुछ नहीं लगा है। आप जानते हैं बोर्ड मास रूल पे ही आधारित होता है ये। बोर्ड मास रूल का मतलब समझ ले थोड़ा सा शॉर्ट में, बी मतलब होता है ब्रेकट, यानी सबसे पहले ब्रेकट हल करते हैं, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन यानी कि भाग, एम मतलब मल्टीपल गुणा, ए मतलब एडिशन अर्थात जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना। तो सबसे पहले ब्रेकट की बारी आती है, हम ब्रेकट में चलते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। जी बिल्कुल, इसमें अगर बोर्ड मास रूल पे चले तो सबसे पहले गुणा किया जाएगा, क्योंकि इसमें भाग तो है नहीं तो गुणा सबसे पहले है, लेकिन गुणा नहीं लगेगा ना, सबसे पहले ब्रेकट, बीच ब्रेकट ना, तो पहले ब्रेकट हल करेंगे। ये ब्रेकट है रेखा कोष्ठक, आप उसके पहले जो भी चीज है उसको ऐसे लिख लेंगे, पांच धन का चिन्ह ऐसे लिख लिया उतने बड़ा। अब इसको हल करने का मतलब कि आठ में से दो घटाएंगे क्या आएगा, छह, और फिर यहां गुणा का चिन्ह था बाद में, देखिए इतना हल हो गया, गुणा सात। अब क्या करेंगे, आजा बोर्ड मास रूल में फिर से, जोड़ और गुणा है दोनों में, पहले क्या होता है, पहले गुणा होता है मल्टीपल, बाद में देखिए ये मल्टीपल के बाद जोड़ आता है, तो गुणा कर लेंगे, यानी इसका गुणा करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे चुपके से जैसे भी था, तो ये 6 × 7 = 42। अब तो ये अकेले बचा है, कुछ नहीं निभाना है इसमें, 47 आ गया, नोट कर लीजिए। अगर आपको मैथ नहीं आती है, आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट के वजह से मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मैथ सिखाने की संपूर्ण गारंटी।
हर दिन क्लास देखिए, सभी क्लास देखिए। आगे चलें, बहुत आसान है जी, हाँ मैथ आसान है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, अगर आप मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ये मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगी। और हाँ, अगर आप इस क्लास को उसी चैनल पर देख रहे हैं मैथ आसान है पर, तो पीवीआर स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पीवीआर स्टडी में इस समय आप लोगों की संख्या जो कि 15 अप्रैल 2019 को लगभग में 70,000 के आसपास हो चुकी है। आगे चलें, पहला हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया। दूसरे पे आओ भाई, जिसको नोट करना है नोट कर ले, छाप ले फटाफट। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये मत सोचिएगा कि मैं एनटीपीसी की परीक्षा दे रहा हूं या दे रही हूं, मुझे तो भाई सीटेट की देनी है, इससे क्या मतलब है, मुझे एसएससी की परीक्षा देनी है, इससे क्या मतलब है, मैं 10th में हूं। ये रामबाण ट्रिक जो है, जो भी क्वेश्चन है ना, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कक्षा 8 में हो, चाहे आप आईएएस की परीक्षा में बैठने जा रहे हो। जी हाँ, कॉन्फिडेंस और ये जो भी इसमें बेसिक रूल होता है ना, सभी के लिए मायने रखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले कोष्टक करेंगे, तो कोष्टक में चलते हैं, पहले 49 को ऐसे लिख लेंगे, फिर भाग का चिन्ह लगा देंगे, 14 में से 7 घटाएंगे 7 आएगा, धन का चिन्ह और ये 5 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे आप, कोष्टक खाम खत्म। दूसरे नंबर पे अब आता है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास देखिए, सबसे पहले ब्रेकट होता है, ब्रेकट तो मैंने हल कर लिया, खत्म हो गया। दूसरे पे ऑफ, यहां पे ऑफ तो कहीं है नहीं, यानी का, अभी दिखाऊंगा ऑफ वाला क्वेश्चन। तीसरे पे आता है डिवीजन यानी भाग, देखिए भाग है यहां पे ना, पहले भाग कर लो भाई, 49 में 7 से 7 आएगा, धन ये 5 को 5 जोड़ लेंगे, हो गया 12। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही, जल्दी जल्दी छाप लीजिए आप लोग, क्या सोच रहे, मजा नहीं आ रहा है, फाइन बंद है ना, ये जो ऑनलाइन में देख रहे हैं ना, इनको भाई दिक्कत होती है, फैन चलता है तो काफी शोरगुल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा कष्ट सह लीजिए, अगर किसी को खुशी मिलती है तो कष्ट सहने में कोई बुराई नहीं। आगे चलें, अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। सवाल नंबर 4th और 5th आपके सामने आ चुका है, 3rd 4th ना, हाँ, तो जल्दी से सभी लोग फटाफट कमेंट करें अपने अपने विचारों को, कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से। जी नए सवाल हैं ये, थोड़ा सा नया तरीका होगा, ट्राई करें, कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए कैसे करेंगे, ये 48 का 9/2 डिवाइड बाय 3-2 का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 48 ऑफ 9/2 डिवाइड बाय 3-2। ऑप्शन नंबर 5 29 37 12 नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, 18+2 ऑफ 4-3 मतलब 18+2 का 4-3 का मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें, कोशिश करें, ट्राई करें, आए या ना आए कोशिश तो करें। देखिए ये आपने देखा होगा, मैं बार बार यही दिखाता हूं, बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास रूल में होता क्या है, सबसे पहले ब्रेकट हल करते हैं, फिर हल करते हैं ऑफ और फिर आगे चलते हैं। तो गौर करिएगा कैसे करेंगे, देखिए पहले ब्रेकट की बात होती है, इस सवाल में कहीं ब्रेकट नहीं। दूसरा पे ओ मतलब ऑफ आता है, आपको हिंदी में का बोलते हैं, देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें का लिखा है, यानी अब हम का वाला पार्ट हल करेंगे, का मतलब जिसके जिसके बीच में का लगा है, इन काका को हम पहले हल करेंगे। तो पहले हल करने का मतलब ये है कि जो ये लिखा था 48 का मतलब गुड़ा, का की जगह पे गुड़ा लगा देंगे, और ये 9/2 इसको हल कर लीजिए, 2 से कट जाएगा 24, 24 को 9 में गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा, 24 9 9 चौक 36 हासिल 3 9 2 18 3 21 216 आएगा है ना। तो आप इसको यहां चुपके से लिख लेंगे का 216, ठीक, भाग का चिन्ह था, भाग लगा दीजिए 3-2 हो गया। अब आते हैं अगला नंबर है लेटर डी, डी मतलब डिवाइड, इसके बाद भाग करेंगे, भाग का चिन्ह इन दोनों के बीच लगा है, यानी 216 में आपको 3 से भाग करना है, जब आप भाग करेंगे 216 में 3 से, तो 3 × 7 = 72 आएगा, 72-2 = आएगा 70, अंडरस्टैंड, नॉन ऑफ दी सही होगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, हमारी कोशिश तो है कि समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो आप ट्राई करते रहें, बस कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके बताइएगा कोई भी दिक्कत होगी तो, है ना। आगे चलें? हाँ जी बिल्कुल, अब कोशिश रहेगी हमारी, थोड़ा आपको जूम करके दिखाएंगे क्योंकि ज़्यादा बेटर दिखता है ना बाबू, है ना। आगे 70, अगला चलें। देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं और आपके सामने लाते हैं एक नई प्रस्तुति, इसको भी देखिएगा। इसमें भी का लगा है तो का वाला पार्ट पहले हल करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग छोड़ दीजिए, मतलब पहले हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे, देखेंगे ही बस और कुछ नहीं। आगे देखिए 18 प्लस जो लिखा है इसको ऐसे उतार लेंगे, 2 का 4 का मतलब होता है गुणा, तो आप 2 का 4 मतलब 2 गुणा 4 करके 8 कर लेंगे और इसकी जगह पर लिख देंगे 8, इसकी जितना खींचा हूं लाइन उसकी जगह पे 8 माइनस 3 हो गया आपका आंसर, आ गया आपके सामने, जोड़ लीजिए जो भी जुड़े घटे, 18 में 8 जोड़ेंगे, 18 2 20 6 26 माइनस 3 इक्वल आएगा 23। जो भी ऑप्शन आपको राइट लग रहा है फटाफट चिन्ह लगा दीजिए, हो गया ना, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, निसंकोच बोलिए, आपकी अपनी क्लास है। देखिए क्वालिटी अगर आप सेटिंग से चेंज कर लेंगे तो बिल्कुल फुल HD क्वालिटी दिख रहा है, इसमें किसी को कोई शिकवा शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप चाहते ही शिकायत करना तो फिर आप फ्री हैं। आगे सवाल पे चले, देखिए बिल्कुल अब क्लास नहीं रोकना है क्योंकि यहाँ पर कोई भी मिलावट नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल। देखिए अगला सवाल आपका हो जाएगा नंबर 5वां और ये हो जाएगा नंबर 6वां। तो देखिए क्या कहता है 5वां 6वां में, ये 5वां नंबर, ये है 6ठा नंबर। देखिए गौर करिएगा, ये सवाल मैं ऐसा बनाता हूं कि सभी लोग मजा आ जाए। 144 भागे 12 और प्लस 2 माइनस 1 है ना मजेदार, और गुणा कर दीजिए 3 से, इसका मान कितना आएगा जल्दी से फटाफट बताइए बिल्कुल देर ना करते हुए। पहला नंबर ऑप्शन 19, 15, 17 नॉन ऑफ दीज, जल्दी से कमेंट करें कितना आएगा नंबर 5 का, कमेंट कैसे करेंगे गौर करिएगा। नंबर 5वां का अगर ए सही है तो आप लिखेंगे 5A, अगर सी सही है तो लिखेंगे 5C, और हाँ अगर बी सही है तो केवल 5B लिखिएगा, ये 5B, और बी भी मत लिखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं बी 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 5 बार लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं, तो भाई जो भी सही है वही लिखिएगा, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल फ्री होकर बैठिए, यहां पर क्लास में आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगला सवाल देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे लिख तो रहा है नहीं, बस देखिए देखिए बोल रहे हैं, देखिए मैं लिख के दिखा देता हूं, ये 14 प्लस 7 गुणा 2 डिवाइड बाई 2 फिर -5। देखिए भाई अवधि भाषा में 2 बोलते हैं, हिंदी भाषा में 2 बोलते हैं, इंग्लिश में 2 बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं बहुत कुछ होता है। देखिए आगे ऑप्शन लिखें, मैं भी कुछ सोच रहा हूं इसका उत्तर कितना आएगा, इसलिए ऑप्शन लिखने में थोड़ा देर हो जाती है, सोचना पड़ता है कितना आएगा जिससे कोई ऑप्शन सही हो जाए ना। हाँ तो जल्दी से बताइए फटाफट इसका आंसर कितना आएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि कितना आएगा। लगभग में आ सकता है इन्हीं में से कोई हमारे समझ से, देखिए आपके समझ से भी कुछ आता है तो ठीक है, जल्दी करें, आप 10 सेकंड के अंदर कमेंट कर देते हैं अगर क्लास में तो, मान लीजिए कि आपका इंडिया में कोई भी होने वाला वनडे एग्जाम मैथ में बिल्कुल नहीं रुकेगा, और हाँ वो आप कर पाएंगे अगर आप 0 लेवल से लेकर के 0 लेवल तक की क्लास देखेंगे। 0 लेवल क्लास में आप पढ़ते हैं कक्षा 1 से 8 तक, और 0 लेवल का मतलब आपकी ट्रिकी मैथ होती है जो कि 2 टाइम होती है, 6:45 और रात 8 बजे से, ठीक है, जिसमें से कुछ क्लास डिस्टर्ब चल रही समय, तो हो सकता है एक आधी ना आपको ना मिल पाए, लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो हो सकता है आपको काफी क्लास ना मिल रही हो। आगे चलें, हो गए सभी के उत्तर, कोशिश कर लीजिए, बिल्कुल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग कमेंट करके एक बात बताइएगा कि एक क्लास आप 15 मिनट 20 मिनट की चाहते हैं
मुश्किल से देखिए दो ऑप्शन है, जल्दी से इसको जरूर बताइएगा और डिस्क्राइब में लिख के भेजिएगा कि क्लास कितना देर की होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है, इसको लिख के भेजिएगा कि क्लास 15 मिनट की होनी चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक क्लास 45 मिनट की होनी चाहिए। आप इसको डिस्क्राइब करके लिखिएगा, जरूर लिखिएगा सभी लोग, बहुत ही मायने रखता है आपकी ये सर्वे जो भी आप लोग बताएंगे। ये मत सोचिएगा फालतू का बोल रहे, अगर आप करेंगे ना तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं बड़ी क्लास नहीं देखते हैं, 45-50 मिनट की क्लास नहीं देखना चाहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उनको दिक्कत होती ही है, लेकिन कुछ लोग को छोटी क्लास में दिक्कत होती है, बोलते हैं क्या यार फालतू शुरू करें दो मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। तो कमेंट करिएगा आप कितने मिनट की क्लास चाहते हैं, 15 मिनट की चाहते हैं या 45 मिनट की, इसको डिस्क्राइब करके लिखिएगा, केवल ये भी मत लिखिएगा नहीं समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। या फिर इसे आप ऐसे कर सकते हैं 100 का ए, जी हाँ जिसे समझ में आ जाए, अगर पहला सही है तो आप लिखेंगे 100 ए, अगर दूसरा सही है तो 100 बी, फिर हम समझ जाएंगे कि 100 नंबर पर कौन सा क्वेश्चन था। आगे चले, अवश्य बताइएगा। और हाँ एक बात और, अगर आप हर दिन क्लास देखना चाहते हैं, कोई क्लास नहीं मिस करना चाहते हैं, तो आप ये नंबर नोट कर लें फटाफट, 9793488 और 448। इस नंबर पर व्हाट्सएप में JOIN ज्वाइन लिखकर भेजेंगे, आपका कंप्लीट कोर्स आपके मोबाइल पर मिलेगा। अगर आप सीडी कोर्स या पेनड्राइव कोर्स पाना चाहते हैं तो मैथ का आप वो भी कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट करें, कोशिश होगी जल्दी से जल्दी आपको सारी सुविधा मुहैया कराई जाएंगी, है ना। तो चले फिर आगे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कोष्टक हल करेंगे, नियमानुसार आपने देख लिया, तो ये कोष्टक हल करने के पहले जो भी चीजें हैं उनको ऐसे छाप लेंगे, 144 भागे ये 12 और प्लस ऐसे लिख लेंगे, दो में से घटाएंगे एक आएगा और गुणा का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पर भाग करेंगे 144 में 12 से तो 12 आएगा, धन एक गुणा 3 आएगा। तीसरा नंबर पे गुणा करेंगे तो 12 धन 3 होगा, चौथा नंबर पे जोड़ देंगे तो 15 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखिए इसको कैसे करेंगे, अभी तो हम सारे कोष्टक वाले क्वेश्चन किए नहीं यार, एक ही दो कोष्टक में तो फंसे हैं, इस क्लास में सभी कोष्टक का यूज होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा जल्दी जल्दी से करते हैं। सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे तो ये 14 और प्लस 7 दूना हो जाएगा 14 भागे 2 माइनस 5, अगला नंबर पे होता है भाग, इसको करेंगे तो ये 14 प्लस भाग देंगे 7 आएगा माइनस 5, 14 7 हो जाएगा 21 माइनस 5, 21 में से 5 घटाएं कितना आएगा 16, है ना भाई, घटाना वटाना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है तो बताइएगा अगर गड़बड़ होगा तो, ऐसे तो सही है। जल्दी से छापिए फटाफट, आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, रोबोट की स्पीड में काम करें, क्योंकि इंडिया को आगे बढ़ाना है ना तो स्पीड भी बढ़ाना होगा, जी हाँ चाइना पर डिपेंड होना छोड़िए, हर एक वस्तु को हर एक सिस्टम को इंडिया में बनाइए। आगे चलें, देखिए आगे जो सवाल होंगे हमारे वो सभी कोष्टक पर डिपेंड होंगे, ध्यान दीजिएगा गौर फरमाइएगा, उनको हमें सोचना पड़ेगा इसलिए हम लिख के तभी दिखाएंगे आपको। देखिए गौर करिएगा कैसे होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे कोष्टक सम्मिलित हैं, जी हाँ बिल्कुल सारे कोष्टक सम्मिलित हैं, जिनमें मझला कोष्टक भी है और ये छुटकौआ भी है और ये मझला भी है और ये बड़ा वाला भी है, जी हाँ सभी है इसमें, चारों कोष्टक हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है छोटा कोष्टक का, हम यहाँ तक चलेंगे और इनसे मुलाकात करेंगे, उसके पहले जो भी है जैसे उनको वैसे वहीं पे रहने देंगे। तो ये है छोटा कोष्टक, रेखा कोष्टक यहाँ लगे हैं, यहाँ तक आएंगे, इसके पहले जो जैसे लिखा है उसको वैसे लिख देते हैं, ये बड़ा कोष्टक लगा के 19 माइनस फिर मझला कोष्टक 12 प्लस ये 9 माइनस 3, जो जैसे था उसको वैसे लिख देंगे, यहां तक आ गए ना, भाग का चिन्ह भी इधर लगा लेंगे। अब इनकी इनकी मुलाकात करते हैं तो रेखा कोष्टक मतलब जोड़ देंगे 4 2 6 जो चिन्ह लगा है तो ये हो जाएंगे 6, क्लियर। अब ये जो दोनों कोष्टक लगे थे सिक्योरिटी के रूप में इनको ऐसे लगा लेंगे, एक काम हो गया। दूसरे पे बारी आती इनकी, अब ये यहां पे है, ये मेरे प्रेजेंट है तो यहां तक चलेंगे, 19 माइनस ये 12 प्लस यहां तक मैंने लिख लिया, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा ना, तो आप यहां 6 लिख लीजिए और ये भागे 6
मझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक, क्लियर। आप क्या करेंगे, एक दो कोष्ठक हो चुके हैं, तीसरा चौथा कोष्ठक पे आ जाइए। भाई इनके दोनों के काम खत्म हो चुके हैं, इनकी छुट्टी हो चुकी है, अब इन पे आइए। ये तो देखिए इतने दूर में फैले हैं, तो हम सारा नियम तरीका इनके अंदर में ही लगाएंगे। तो बोर्ड मास रूल पे चलेंगे तो इसमें भाग भी है जोड़ भी है, और बोर्ड मास रूल कहता है कि पहले भाग करते हैं जोड़ते बाद में। तो पहले 19 माइनस इनको ऐसे लिख लिए, कोष्ठक के अंदर का ये घमासान होगा इधर साइड में, मैं यहां दिखा देता हूं कैसे होगा, 12 प्लस 6 भागे 6, इतने तो है ना अंदर में, इसको हल कर लेते हैं, 6 में 6 से भाग देंगे तो ये आएगा 12 भागे 12 धन 1 13 आएगा कंप्लीटली, तो आप यहां लिख देंगे 13 घटाए लेंगे तो 6 आएगा और 6 लिखा जाएगा, ए सही कहलाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट करें, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हाँ, और आप लोग तो भाई जल्दी जल्दी छापे बिल्कुल रोबोट की स्पीड में, जल्दी करें। हो गया ना, वीडियो को तुरंत रोक लीजिए स्क्रीन पे टच करके और फिर आगे लिखिए, रोक लिए, हाँ जल्दी करें जल्दी करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा तो उम्मीद करते हैं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, अगर आपने नहीं समझा तो माफी चाहते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कंप्लेन करा सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपको कंप्लीट कोर्स मिल सके। अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर पीबीआर स्टडी और मैथ आसान है को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ये दोनों चैनल आपकी सेवा में ऑल टाइम तत्पर रहेंगे। और अगर आप इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं, जी हाँ यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो पीवीआर स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो करें। जी हाँ, फेसबुक पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर आप पीवीआर स्टडी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप यूट्यूब पर पीवीआर स्टडी सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, इसे जरूर करिएगा, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स की लाइव क्लास भी आप फेसबुक पर देख सकते हैं, फेसबुक पर भी लाइव होती है। कंप्लीट कोर्स आप फेसबुक से बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं, यूट्यूब पर आपको कुछ ज्वाइनिंग वगैरह भी करना होता है, फेसबुक पर आपको नो ज्वाइनिंग, कोई ज्वाइनिंग नहीं होता है, वहां पे आप जो भी कोर्स उपलब्ध है सभी को बिल्कुल फ्री पा सकते हैं। तो आज ही पीवीआर स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो करें, फेसबुक पेज को लाइक करने का ऑप्शन आता है उसको लाइक अवश्य करें, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो बताइएगा, आपको बता दिया जाएगा। किसी प्रकार की कंफ्यूजन के लिए, किसी प्रकार की शिकायत के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 78-438-32-999 इस नंबर पर, आप 33 भी लगा के 99 लगा सकते हैं, ये आपका अपना ही नंबर है। कोई प्रकार की दिक्कत है तो निसंकोच बोलें, और हाँ इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आपके सामने हर दिन आते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलते चलते याद रखिएगा कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जी हाँ, जीत की गूंज इसी तरह से बनी रहे, और पीवीआर स्टडी की ये संख्या जो है आप लोगों के अमूल्य सहयोग से निरंतर बढ़ती रहे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलता हूँ एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, देखते रहें आपका अपना पीवीआर स्टडी। इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर करके जाइएगा, 25 मिनट की इस क्लास में आपने 25 तरह के क्वेश्चन सीख लिए होंगे, है ना। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।